हेलो दोस्तों, एक्स वाई जेड मूवीज क्रिएशन में आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक गोरिल्ला की मूवी एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, तो चलिए शुरू करते हैं। यह कहानी शुरू होती है रैम्पेज प्रोजेक्ट से, जिसमें दिखाया जाता है कि एक स्पेस अर्थ के ऑर्बिट के चक्कर लगा रहा है। उस स्पेसशिप के अंदर डीएनए एक्सपेरिमेंट के कारण एक चूहा, जिसका न केवल आकार बदला होता है बल्कि वह बहुत अग्रेसिव भी हो गया होता है, और स्पेसशिप के सभी ग्रुप मेंबर्स को मार देता है। सिर्फ वहाँ कैरी ही बची होती है, और जब वह कैप्सूल के अंदर जाने की कोशिश कर रही होती है जिससे वह अर्थ पर वापस आ सकती है, तो उस कंपनी की सीईओ रेडियो पर बोलती है कि वह अपने साथ सैंपल लेकर आए, वरना कैप्सूल का दरवाजा नहीं खुलेगा। कैरी फिर से जान की बाजी लगाते हुए वापस सैंपल लेने जाती है, पर जैसे वह सैंपल की 3 बोतल लेती है तो उसे पता चलता है कि स्पेसशिप बहुत जल्दी ब्लास्ट होने वाला है, और अब वह चूहा भी उसकी तरफ आने लगता है। कैरी जल्दी से कैप्सूल के दरवाजे के पास पहुँचती है और दरवाजा खुल जाता है। वह कैप्सूल के अंदर आकर दरवाजे को अंदर से लॉक कर लेती है। चूहा दरवाजे के ग्लास को तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन कैरी जल्दी से कैप्सूल को स्पेसशिप से डिटैच कर देती है, और अगले पल स्पेसशिप ब्लास्ट हो जाता है। साथ ही कैरी का कैप्सूल जैसे ही अर्थ की ऑर्बिट के संपर्क में आता है तो उसमें भी एक विस्फोट होता है और उसके टुकड़े धरती की तरफ गिरने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है प्रिमेटोलॉजिस्ट डेविस को, जो कभी यूएस आर्मी स्पेशल फोर्स का सोल्जर था, पर अब वह सैंटियागो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के लिए काम करता है। साथ ही इल्लीगल तौर से शिकार करने वालों के खिलाफ भी वो काम करता है। डेविस अपने साथ काम करने वाले नए एम्प्लॉयज को जंगल में गोरिल्ला से मिलवाने के लिए ले जाता है, जहाँ एक एल्बिनो जाति का गोरिल्ला भी होता है जिसका नाम जॉर्ज है। जॉर्ज जब छोटा था तो उसकी मॉम को शिकारियों ने मार दिया था, पर डेविस ने जॉर्ज को बचा लिया और अपनी देखरेख में रखा। जॉर्ज बहुत इंटेलिजेंट है, साथ ही वह डेविस के साथ इशारों में बात भी कर सकता है। डेविस सबको जॉर्ज से मिलवाता है, जिससे सब बहुत खुश होते हैं। वहीं रात को कैरी का कैप्सूल जो ब्लास्ट हो गया था, जिसमें 3 पैथोजन जेनेटिकल डीएनए के कंटेनर थे, उसमें से एक कंटेनर गिरता है एवरग्रेट्स की नदी में, जहां वह खतरनाक जेनेटिकल डीएनए एक मगरमच्छ के मुंह के अंदर चला जाता है। वहीं दूसरा एक जंगल में गिरता है, जिससे एक भेड़िया इफेक्ट हो जाता है। तीसरा कंटेनर जॉर्ज के टेरिटरी में गिरता है, जिससे जॉर्ज भी उस जेनेटिकल केमिकल के संपर्क में आ जाता है। अगले दिन डेविस को पता चलता है कि जॉर्ज ने एक जंगली भालू को मार गिराया, जो कि जॉर्ज से बहुत ज्यादा शक्तिशाली था, और अब जॉर्ज को एक अलग जगह बंद किया होता है। और जब डेविस उसके पास जाता है तो जॉर्ज को देखकर हैरान हो जाता है, क्योंकि उसका साइज पहले से बढ़ गया होता है। डेविस जॉर्ज से इशारों में पूछता है कि उसने ऐसा क्यों किया। जॉर्ज बताता है क्योंकि वह बहुत ज्यादा डर गया था। अब जॉर्ज अग्रेसिव होने लगता है, इसलिए उसे एक दूसरी जगह पिंजरे में बंद कर दिया जाता है। वहीं इनर्जिन कंपनी की सीईओ क्लेवर को दिखाया जाता है, जिसकी कंपनी ने पैथोजन डीएनए केमिकल बनाया था। वह अपनी टीम से कहती है कि कैरी पैथोजन की जिन 3 सैंपल्स को ला रही थी उन्हें किसी भी हालत में नष्ट नहीं किया जा सकता, इसलिए तो मैं उन्हें हासिल करना होगा। उसकी टीम जंगल की तरफ निकल जाती है। अगली सुबह यह दिखाया जाता है कि न्यूज में यह बताया जा रहा होता है कि इनर्जिन कंपनी का जो स्पेसशिप था वह ब्लास्ट हो गया, जिसका एक टुकड़ा जू में गिरा, और आज सुबह से ही उस जू का एक गोरिल्ला गायब है। यहाँ पर यह पूरी न्यूज कैट सुन रही होती है, जो कि एक जेनेटिकल इंजीनियर है। वह न्यूज सुनने के बाद डेविस के पास जाती है और उसे कहती है, तुम्हारे हाथ में जो कंटेनर है वह मेरा है। दरअसल वही कंटेनर होता है जो स्पेसशिप से नीचे गिरा था। डेविस उसे कंटेनर देने से मना कर देता है और ना ही उसकी बात सुनना चाहता है, लेकिन जब कैट उसे बताती है कि तुम्हारा गोरिल्ला लगातार बढ़ रहा है, वह पहले से ज्यादा फुर्तीला हो गया है। यह सब सुनने के बाद डेविस उसे जॉर्ज के पास ले जाता है, जहाँ कैट उसे बताती है कि तुमने डीएनए एडिटिंग के बारे में सुना होगा। हमने एक ब्लू व्हेल शार्क, डायनासोर और चीते का डीएनए मिक्स किया है, जिससे हमने एक अलग डीएनए बनाया है, और आज उसी डीएनए की वजह से तुम्हारे जॉर्ज की ये हालत है, पर मैं उसे ठीक कर सकती हूँ। और तभी जॉर्ज यहाँ पर पिंजरा तोड़कर बाहर आ जाता है। हालांकि डेविस उसे रोकने की कोशिश करता है, पर वह डेविस की बात नहीं सुनता और सड़क पर आ जाता है, जहाँ पर पुलिस भी आ जाती है। डेविस सबको समझाता है कि जॉर्ज किसी को कुछ नहीं करेगा। वह जॉर्ज को शांत भी कर लेता है, पर तभी वहाँ पर पुलिस का हेलीकॉप्टर भी आ जाता है, जो जॉर्ज पर बेहोशी का इंजेक्शन गन से फायर करते हैं, जिससे जॉर्ज बेहोश हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ जंगल में एनर्जिन कंपनी की उस टीम को दिखाया जाता है, जो जंगल में पैथोजन के सैंपल ढूंढने के लिए गई है। यहाँ पर उन्हें एक बहुत बड़े भेड़िए के पंजे का निशान दिखता है, और इससे पहले कि यह कुछ समझ पाते वह विशाल भेड़िया इन पर हमला करता है और सबको मार देता है। एनर्जिन कंपनी की सीईओ क्लेवर यह सब कुछ कैमरे से अपनी स्क्रीन पर देख रही होती है, जिससे उसे समझ में आ जाता है कि वह अपने सारे सैंपल्स खो चुकी है, लेकिन अब उसे किसी भी हालत में इन तीनों जानवरों के डीएनए का सैंपल चाहिए। वह अपने साथी को बताती है कि जब हमने इस खास डीएनए को बनाया था तो हमने इस डीएनए के अंदर कुछ ऐसा चेंजेस किए थे जिसकी रेडियो की लो फ्रिक्वेंसी में इस डीएनए से बने हुए जानवर उसकी तरफ खींचे चले आएंगे, क्योंकि वह उस फ्रिक्वेंसी को बंद करना चाहेंगे, और अब हमें उन जानवरों को बुलाने के लिए रेडियो की फ्रिक्वेंसी को लो करना होगा। वहीं दूसरी तरफ डेविस और कैट को दिखाया जाता है, जिन्हें पुलिस ने पकड़ लिया होता है, क्योंकि पुलिस को लगता है कि इन दोनों ने मिलकर जॉर्ज के साथ कुछ एक्सपेरिमेंट किए हैं, जिस वजह से वह बदल
गया है और इन दोनों को जॉर्ज के साथ प्लेन से एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा रहा होता है। तभी इनर्जिन कंपनी के सीईओ को दिखाया जाता है जो रेडियो की लो फ्रिक्वेंसी को ऑन कर देती है और जैसे ही वह ऑन करती है तो वह विशाल भेड़िया जो उस फ्रिक्वेंसी से बहुत दूर होता है उसकी तरफ खिंचा चला जाता है, साथ ही वह विशाल मगरमच्छ भी। और यहाँ पर जॉर्ज जो पूरी तरह बेहोश है, रेडियो फ्रिक्वेंसी ऑन होने के बाद वह भी होश में आ जाता है और प्लेन के अंदर चारों तरफ तबाही मचा देता है। जॉर्ज को रोकने के लिए उस पर गोलियां चलाई जाती हैं जो विस्फोटक में लगती हैं, जिस वजह से प्लेन क्रैश होना शुरू हो जाता है। डेविस सबसे पहले कैट को पैराशूट के साथ बाहर निकालता है, इसके बाद वह एजेंट रसल की जान बचाता है और तभी प्लेन में एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। डेविस को लगता है कि जॉर्ज की मृत्यु हो गई, लेकिन जब वह नीचे आते हैं तो देखते हैं कि जॉर्ज की डेड बॉडी कहीं पर भी नहीं है। वह समझ जाते हैं कि जॉर्ज अभी जिंदा है। यहाँ पर कैट डेविस को अपनी कहानी बताती है। वह कहती है कि कॉलेज करने के बाद मैं क्रिस्पर पर काम कर रही थी। क्रिस्पर पर एक ऐसी टेक्नोलॉजी होती है जिससे किसी भी डीएनए को एडिट किया जा सकता है, यानी कि क्रिस्पर टेक्नोलॉजी से किसी भी जीव की डीएनए में बदलाव करके उसे अपने हिसाब से बदला जा सकता है। कैट बताती है कि मैं क्रिस्पर का इस्तेमाल लुप्त हुए जानवरों के लिए करना चाहती थी और उसी दौरान मेरा भाई बीमार हो गया और मैं जानती थी कि मैं क्रिस्पर से उसे बचा सकती हूँ। इसके बाद मैं क्लेवर से मिली जिसने मुझे अपनी कंपनी एनर्जिन में लीड रिसर्चर बना दिया। मैं जब भी अपने भाई को बचाने के लिए कुछ बनाती तो एनर्जिन कंपनी उसका इस्तेमाल खतरनाक डीएनए बनाने के लिए करती, जिसके बारे में मुझे कुछ पता नहीं था। जब मुझे पता चला तो मैं सब कुछ डिस्ट्रॉय करना चाहती थी, पर सिक्योरिटी ने मुझे देख लिया और मुझे जेल में डाल दिया। मेरे जेल जाने के एक महीने बाद मेरे भाई की मृत्यु हो गई, उसे आखिरी बार देख भी नहीं पाई और मैं चाहती हूँ कि क्लेवर कभी किसी को नुकसान न पहुंचा पाए, इसलिए मैं दुनिया के सामने क्लेवर का पर्दाफाश करना चाहती हूँ। अब यहाँ पर मिलिट्री के प्लेन्स भी आ जाते हैं। दरअसल इनके साथ जो एजेंट होता है उसने प्लेन को बुलाया होता है और जब ये प्लेन के अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि जॉर्ज और वो खतरनाक भेड़िया शिकागो शहर की तरफ बढ़ रहे हैं, जिससे सबके सब हैरान होते हैं। कैट बताती है कि जब मैं एनर्जिन कंपनी में जॉब करती थी तो हम चमगादड़ के डीएनए पर काम कर रहे थे, शायद क्लेवर को उसमें कामयाबी मिल गई है जिसकी मदद से वह इन जानवरों की तरफ कोई खास फ्रिक्वेंसी भेज रही है और यह जानवर उसे रोकना चाहते हैं। डेविस कर्नल को बोलता है कि उनको एक मौका दिया जाए ताकि वह एनर्जिन कंपनी से एंटीडोट लेकर इन जानवरों को शांत कर दें, पर कर्नल इनकी बात नहीं मानता और अपने सोल्जर से कहता है कि इन्हें इंट्रोगेशन रूम में ले जाएं। लेकिन डेविस उन सोल्जर से लड़कर वहां से चौपड़ चुराकर भागने में कामयाब हो जाता है, जिसमें एजेंट रसल भी इनका साथ देता है। ये शिकागो पहुंचकर देखते हैं कि वॉल्फ और जॉर्ज टावर की तरफ भाग रहे हैं और साथ में रास्ते में तबाही मचा रहे हैं और अब वहां क्रोकोडाइल भी आ जाता है, जिसके बाद हर तरफ मौत का मंजर दिखाई देता है। डेविस और कैट एनर्जिन कंपनी के अंदर एंटीडोट को चुराने के लिए दाखिल होते हैं। कैट यहाँ पहले काम कर चुकी है इसलिए उसे जल्दी से एंटीडोट मिल जाती है, पर अब क्लेवर भी अपने भाई के साथ यहाँ पर आ जाती है। वह इन्हें गन पॉइंट पर लेकर इनसे एंटीडोट वापस ले लेती है। इसके बाद क्लेवर डेविस को गोली मार देती है और अपने भाई और कैट के साथ यहाँ से हेलीकॉप्टर से निकलना चाहती है। वह कैट को यहाँ पर नहीं छोड़ना चाहती क्योंकि कैट के साथ वह आगे की रिसर्च कर सकती है। वहीं दिखाया जाता है कि तीनों जानवर अब इस बिल्डिंग के ऊपर चल रहे होते हैं और इससे पहले कि क्लेवर हेलीकॉप्टर से यहाँ से निकल पाती वहाँ पर जॉर्ज आ जाता है जो इनके हेलीकॉप्टर को तबाह कर देता है। डेविस भी जिंदा होता है जो कैट से कहता है कि हमें एंटीडोट दोबारा से हासिल करनी होगी। कैट उसे बताती है कि एक मेरे पास है और इसके बाद कैट उस एंटीडोट को क्लेवर के बैग में डाल देती है और उसे उस तरफ धक्का देती है जिस तरफ जॉर्ज होता है। जॉर्ज उसे उठाकर पूरा का पूरा निकल जाता है। कैट बताती है कि एंटीडोट का असर 10 मिनट के बाद होगा। दरअसल डेविस का प्लान होता है कि एक बार जॉर्ज शांत हो जाए, इसके बाद जॉर्ज की मदद से वह क्रोकोडाइल और उस बॉल्फ को हरा सकता है। वहीं क्लेवर के भाई को दिखाया जाता है जो अपने साथ चूहों को लेकर यहाँ से भाग रहा होता है, जो इनकी पूरी रिसर्च का एक सबूत है। पर वहाँ पर रसल आ जाता है, वह उससे उस पिंजरे को ले लेता है और जैसे ही क्लेवर का भाई बाहर जाता है वह मलबे के नीचे दबकर मर जाता है। वहीं इस बिल्डिंग की छत पर दिखाया जाता है जहाँ पर तीनों जानवर उस टावर को पूरा तबाह कर देते हैं और इससे पहले कि बिल्डिंग गिरती कैट और डेविस हेलीकॉप्टर से यहाँ से निकल जाते हैं। पूरी बिल्डिंग जमीन में धस जाती है और यह तीनों जानवर भी उनके नीचे दब जाते हैं। और कुछ ही देर बाद जॉर्ज मलबे से बाहर निकलता है, उसको दवा का असर शुरू हो चुका है, वह पहले की तरह नॉर्मल हो गया है, इसलिए डेविस से वह इशारों में बात करना शुरू कर देता है। अब यहाँ पर क्रोकोडाइल और वॉल्फ मलबे से बाहर निकल जाते हैं। इन तीनों में सबसे खतरनाक क्रोकोडाइल होता है और इनके बीच में एक घमासान लड़ाई होना शुरू हो जाती है। वहीं आर्मी भी इस जगह को स्पेशल बॉम्ब से उड़ाने की तैयारी कर रही होती है। क्रोकोडाइल सबसे पहले वॉल्फ को मार देता है और इसके बाद जॉर्ज क्रोकोडाइल को रोकने के लिए उस पर हमला कर देता है, पर क्रोकोडाइल जॉर्ज को बुरी तरह से जख्मी कर देता है। जॉर्ज को बचाने के लिए डेविस हेलीकॉप्टर की गन से क्रोकोडाइल पर हमला करता है और अब क्रोकोडाइल डेविस को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है और इससे पहले कि क्रोकोडाइल डेविस को मारता जॉर्ज लोहे की एक बहुत बड़ी रॉड उसकी आंख में आर पार कर देता है।
जैसे क्रोकोडाइल मारा जाता है। आर्मी जब देखती है कि जॉर्ज ने और डेविस ने मिलकर क्रोकोडाइल को मार दिया है, वह भी हमला रोक देती है और इस तरह से दोनों मिलकर इस पूरी तबाही को बचा लेते हैं। अंत में दिखाया जाता है कि जॉर्ज यहाँ पर लोगों की मदद भी करता है। इसी के साथ यह मूवी यहीं पर समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों आपको यह एक्सप्लेनेशन कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।